शेटाहोएक का प्रयोग सफल रहा और कुछ हजार सालों बाद हर तरफ शहर ही शहर दिखने लगे। जब अलग अलग तरह के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है और नई संभावनाएं सामने आती हैं। एक शहर एक दिमाग की तरह होता है जिसमें नए विचार उभरते और निखरते रहते हैं। यहाँ एम्स्टर्डम शहर में 17वीं शताब्दी में पुरानी और नई दुनियाओं के नागरिक इस तरह घुले मिले कि नए विचारों का एक सैलाब सा आ गया। इस वजह से विज्ञान और कला का एक सुनहरा युग शुरू हुआ। उस जमाने में लाइट की बहुत अहमियत थी। लाइट ने इंसान की सोच को नए पंख दिए। लाइट उन जगहों को सामने ले आई जो अब तक छिपी हुई थीं। लाइट को उस वक्त की पेंटिंग्स में भी देखा जा सकता है और लाइट में वैज्ञानिकों ने खास दिलचस्पी दिखाई। कपड़े के व्यापारियों की कई पीढ़ियों ने स्टिच्ड फैब्रिक्स के थ्रेड काउंट की जांच करने के लिए एक लेंस इस्तेमाल किया था। उस वक्त के एम्स्टर्डम में ऐसे तीन आदमी थे जो लाइट से इतने प्रभावित थे कि वो एक पुराने डिवाइस को बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने कपड़े के व्यापारियों के लेंस से उन चीजों को देखा जिनको पास से देखने के बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था। ये बात नई दुनियाओं को ढूंढने और समझने की एक खिड़की बन गई। एंटनी वॉन लीवनहुक एक सिंगल लेंस से एक बूंद पानी में मौजूद हजारों माइक्रोकॉस्म को सामने लाए। उनके दोस्त क्रिश्चियन हॉइगिंस दो लेंसेज इस्तेमाल करके तारों, ग्रहों और चांदों को इतना पास ले आए कि उनके फीचर्स नजर आने लगे। हॉइगिंस ये देखने वाले पहले इंसान थे कि सैटर्न के रिंग्स उससे दूर होते हैं और वो असल में क्या होते हैं। साथ ही उन्होंने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन को भी ढूंढा। ब्रूनो की तरह हॉइगिंस का भी ये मानना था कि तारे दूसरे सूरज होते हैं और उनके इर्द गिर्द ग्रहों और चांदों के उनके अपने सिस्टम चक्कर लगाते हैं। पर पवित्र किताबों में उन दूसरी दुनियाओं और उन पर रहने वाले जीवों का कोई जिक्र क्यों नहीं था। बेशक इस विरुद्धता से एनलाइटनमेंट के लीडर्स के दिलों और दिमागों में बहुत बेचैनी पैदा हुई होगी, पर सिर्फ एक इंसान था जिसने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई,